जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग मस्त होंगे। फोटो तो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपना फोटो यानी कोई भी डॉक्यूमेंट हम किसी को कैसे रिसाइज करते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए आप लोगों को कुछ चीज को हम बताते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा डॉक्यूमेंट कहीं पर मांगता है 100 के भी, कहीं पर मांगता है 200 के भी, कहीं 50 के भी, कहीं 10 के भी। तो मान लीजिए हमको अपलोड करना है तो कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, वो चीज आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा सबसे पहले है, हम फोटो रिसाइज करके आप लोगों को बताते हैं। ये हमारा पहले फोटो है, इस पर हम क्लिक करके रखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर में भी आपका सेम काम करेगा और यहाँ पर भी सेम काम करेगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको ओपन विथ का, ठीक है। क्या है? ओपन विथ का आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेंट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। पेंट पर क्लिक करेंगे, पेंट पर आपका कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। पेंट आपका इस तरह से ओपन हो गया। अब एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर रिसाइज, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे रिसाइज का ऑप्शन मिला है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है पिक्सल हॉरिजॉन्टल, या जो भी करना होता है आप कर लेंगे, या तो आपको डायरेक्टली कम करना है इसका साइज का। तो यहाँ पर देखिए 586 KB दिख रहा है आपको नीचे, ठीक है। कितना? 586 KB। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अगर मान लीजिए कितना 50 KB के आसपास में चाहिए, 20 KB से लेके 50 KB के आसपास तक, ठीक है। तो यहाँ पर 45 सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर आ गया 64 KB। कितना आया? 64। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर रिसाइज करेंगे, ठीक है। फिर रिसाइज करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर कितना 76%, ठीक है। और ओके करेंगे, फिर से सेव करेंगे। तो फिर से सेव किए तो देखिए हमारा कितना गया, 47%, 47 KB के बीच में। यानी आपका ये फोटो क्या हो गया, रिसाइज हो गया, ठीक है। फोटो का केबी आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसके प्रॉपर्टीज में आकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज में। उसके बाद एक चीज है, हमारा मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है, हमारा मार्कशीट है, ठीक है। ये है कुछ लगभग 250-300 KB के आसपास में। तो मान लीजिए हम कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सरकारी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर मांगता है कितना 100 KB के अंडर में, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन विथ करेंगे और यहाँ पर पेंट पर हम क्लिक कर देंगे। पेंट पर जैसे ही आपका आ जाएगा, ठीक है, बड़ा कर लीजिएगा इसका। देखिए 3.2 MB में दिख रहा है, MB में है ना, 3.2 MB में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो उसको हम कैसे रिसार्ज करेंगे, यहाँ पर रिसार्ज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। रिसार्ज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कितना 45 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक साइज कंप्रेस कर रहा है। अगर आपको पिक्सल में करना है तो पिक्सल में कर सकते हैं, जैसे कि आपको करना हो, ठीक है। तो ओके प्रेस करेंगे तो देखिए इतना ये ऑटोमेटिक छोटा हो गया। अब सेव कर दीजिए, सेव हो गया। कितना आ गया, 467 KB। फिर से हम उसको हम रिसाइज करेंगे, ठीक है। रिसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से 45 डालेंगे और ओके प्रेस कर देंगे और फिर से ऐसे सेव कर देंगे। तो आपके आ गया 34 KB, 34 KB इस तरह से आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, रिसाइज करेंगे, है ना। मान लीजिए एक और डॉक्यूमेंट हम आपको क्या छोटा करके दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए इसे हम कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं पहले, है ना। मान लीजिए हम इसको क्या है, इसका हम MB थोड़ा KB में करेंगे, है ना। तो ओपन विथ पर क्लिक करके पेंट में आएंगे सीधा, ठीक है बाबू। पेंट में आने के बाद आपको रिसाइज पर क्लिक करना होगा। इसका क्या है, 1.4 MB दिख रहा है, MB में है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, KB में करेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे 35 KB, 35 डालेंगे। आप अपने जितने मन से डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पर से हम सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो कितना आ गया, 145 KB, 145, यानी 145 KB के अंडर में आ गया। आशा करते होंगे कि आप क्यों फोटो को कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपको केबी में करना जान गए होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मेरा 2-3 वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में भी मिल जाएगा आप लोग। आशा करते होंगे ठीक है समझ में आ गया। जय हिंद, वंदे मातरम।